लेट्स लुक एट सिंगल ऑर्डर क्वान्टिट्टी मॉडल बेसिकली सिंगल ऑर्डर क्वान्टिट्टी मॉडल जो है uh, वो इस्पेल मॉडल uh, है जो कि उस वक़्त हम यूज़ करते हैं जब uh, एक से ज़्यादा हम ऑर्डर uh, नहीं कर सकते सीजन uh, के अंदर एक ही फॉर एग्ज़ाम्पल ईद है तो ईद केक्स का जो बेकरी ऑर्डर करेगी वो एक ही बार करेगी क्योंकि दो तीन दिन के बाद ईद ख़त्म हो जाती है और वो केक्स फिर आ, नहीं बिक सकेंगे अगर कुछ रह जाएंगे इसी तरह क्रिसमस ट्रीज़ हैं वो काट के रखी होती हैं कि जी इतनी बिक जाएंगी और वो उसका एक से ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं हो सकते तो कुछ सिचुएशन होती है जहाँ सिंगल सेलिंग सीज़न होता है और एक ही ऑर्डर किया जा सकता है इतना टाइम नहीं होता कि अगर शॉर्टिज़ हो जाएं जो आपने ऑर्डर किया है उसके अंदर तो उसके अंदर हम और कुछ ऑर्डर प्लेस कर कर और मंगा लें ये पॉसिबल नहीं होता तो उधर हम ये यूज़ करते हैं और जब सीज़न ख़त्म होता है तो उसके अंदर अगर कोई यूनिट्स या प्रोडक्ट बच गया है तो उसकी फिर वैल्यू ना होने के बराबर हो जाती है या बिल्कुल ही सिफर हो जाती है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है ऑब्जेक्टिव इस मॉडल का ये है कि इसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि हम अपना जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है नाउ द वर्ड इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नॉट एक्चुअल प्रॉफिट उसको मैक्सिमाइज़ करें ज़रूरी नहीं है कि जो मॉडल कहेगा उतना ही होगा बट प्रॉबिलिटी ज़्यादा होती है कि ये आ, इसी तरह होगा अच्छा सिंगल पीरियड ऑर्डर क्वांटिटी जो है उसका जैसे मैंने बताया कि क्रिसमस ट्रीज हैं सीजनल गुड्स हैं न्यूज़पेपर है और इस न्यूज़पेपर की वजह से असल में इट वाज ये जो मॉडल था इसको न्यूज़ स्टैंड प्रॉब्लम का नाम दिया था क्योंकि न्यूज़पेपर स्टैंड के अंदर यही होता है कि एक ही टाइम होता है एक ही ऑर्डर प्लेस करने का रात को ऑर्डर प्लेस किया आपके पास डिलीवर हो गया उसके बाद उसके अंदर कमी बेशी नहीं की जा सकती तो इसके लिए ये मॉडल डेवलप किया था और जो कि अब हम यूज़ कर रहे हैं दूसरे बिजनेस इन्वामेंट के अंदर भी आ, हमने एक ऑर्डर और, और परचेज़ ऑर्डर और करना है तो वो क्या क्वांटिटी होनी चाहिए जो कि हमारे प्रॉफिट को एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे तो ये जो बेसिकली uh, प्रोसीजर है इसके अंदर देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट एक है जो जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ अंडर स्टॉक ये प्रॉफिट इंक्रीमेंटल प्रॉफिट के बेसिस के ऊपर होता है और एक है uh, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ ओवर स्टॉक ये लॉस के बेस के ऊपर होता है इंक्रीमेंटल लॉस के बेस के ऊपर इनको बैलेंस किया जाता है सो लेट्स सपोज कॉस्ट ऑफ एंड इट इज़ इक्वल टू सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस द कॉस्ट प्राइस आपने जितने का परचेज किया और फिर आगे आप जो बेच रहे हैं उसके अंदर जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट मार्जिन है जो कि कॉस्ट ऑफ अंडर स्टॉक होगा क्योंकि अगर आप ऐ, सेल लूज कर गए हैं आपका स्टॉक खत्म हो गया तो ये अमाउंट जो है वो आप लूज़ कर रहे होंगे और दूसरी है कॉस्ट ऑफ ओवर स्टॉक अगर आपने अपने स्टॉक से जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा आपने रख ली है तो उसके अंदर आपका जो लॉस है वो होगा जो आपने यूनिट परचेज किया था बेचने के लिए जो कीमत पर किया था माइनस अगर कोई सैलरेज वैल्यू उसकी है तो उसको आप निकाल दें तो बाकी जो बचेगा वो आपके आउट ऑफ द पॉकेट आपका लॉस है तो दैट इज कॉस्ट ऑफ ओवर स्टॉक और इनको हम यूजली दिस इज द फॉर्मूला जिसके अंदर सी यू डिवाइडेड बाई सी यू प्लस सी ओ विल गिव यू जिसको हम कहते हैं सर्विस लेवल या इसको हम कहते हैं क्रिटिकल रेशियो तो इस बेसिस के ऊपर हम ये कैलकुलेट करते हैं